उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन ने अब हरियाणा तक हलचल तेज कर दी है। उत्तराखंड में भी सरगर्मी बढ़ गई है। प्राइम टाइम में एबीपी गंगा ने आपको पहले ही बता दिया था कि राकेश टिकैत जींद में महापंचायत में शामिल होंगे। टिकैत गाजियाबाद से जींद के कंडेला में पूरी तैयारी के साथ पहुंचे। टिकैत ने यहां बहुत बड़ा बयान भी दिया। राकेश टिकैत ने युवाओं से कहा कि आप अपना गुस्सा हमें दे दो। टिकैत की इस एक लाइन में गहरा संदेश छिपा है। प्राइम टाइम में आज हम इसे डिकोड करेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के जिंद में राकेश टिकैत का मंच टूट गया। यहां मौजूद नेता अचानक नीचे गिर पड़े। शुक्र है बाल बाल बचे। मंच से गिरने के बाद राकेश टिकैत कुछ ही पलों में संभल भी गए। हल्की चोटें आईं, लेकिन वापस माइक संभाल लिया, किसानों का हौसला बढ़ाया। आपके सपोर्ट का ये आपको दिल्ली कोर्ट करने की अभी जरूरत नहीं। आप स्टैंड बाय में रहेंगे, आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप गुस्सा हमें दे दो। जिस दिन आंसू पड़ा, अगर उस दिन हमने आग लगाई, अगर उस दिन आग मंच पर ज्यादा लोग मौजूद थे, व्यवस्था नहीं बन पाई, इसलिए ये टूट गया। लेकिन टिकैत की कोशिश है कि उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हरियाणा तक जो उम्मीदें जगाई हैं, वो न टूटने पाए। टिकैत की निगाहें अब जाटलैंड से लेकर खापू के थमक वाले तमाम इलाके पर है। छब्बीस जनवरी को दिल्ली में लाल किले की घटना के बाद जिस तरह राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को दोबारा मजबूत करने का काम किया, उससे उनका कद अब पहले से काफी बढ़ चुका है। जिस तरह टिकैत ने जींद में जाकर हरियाणा के किसानों को धन्यवाद कहा है, उससे नई रणनीति का इशारा मिलता है। सवाल है कि क्या राकेश टिकैत अपने लिए सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं? क्या जाटलैंड का नया चौधरी बनना चाहते हैं राकेश टिकैत? क्या 6 फरवरी के चक्का जाम से टिकैत नया प्रयोग करने वाले हैं? राकेश टिकैत लगातार दोहराते रहे हैं कि उनके आंदोलन के मंच पर किसी राजनेता के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन क्या यही दावा वो राजनीति को लेकर भी करेंगे? किसान आंदोलन के पर्दे के पीछे का एजेंडा चाहे जो भी हो, लेकिन ये तय है कि टिकैत की अगुवाई में हो रही गोलबंदी ने जाटलैंड के राजनीतिक दिग्गजों की बेचैनी बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। किसान आंदोलन के नए दौर में टिकैत परिवार नया पावर सेंटर बनकर उभरा है। पूरा परिवार मैदान में है। राकेश टिकैत यूपी दिल्ली बॉर्डर पर बैठकर केंद्र सरकार को ललकार रहे हैं। यहां से हरियाणा के जींद जाकर वहां से आंदोलन समर्थक किसानों की ताकत का ट्रेलर देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ उनके बड़े भाई नरेश टिकैत उत्तराखंड के रुड़की में महापंचायत में शामिल हुए। रुड़की के मंगलौर में नरेश टिकैत ने किसानों से एकजुट होने की अपील की। बात भाई तक ही नहीं रही, राकेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत भी मैदान में उतर आए। मथुरा के बलदेव इलाके में किसान महापंचायत में सरकार पर जमकर बरसे, दिल्ली कूच करने का ऐलान किया। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। आंदोलन तो 70 दिन पुराना है, लेकिन ऐसी तस्वीरें पहली बार सामने आई।
राकेश टिकैत ने जींद से सीधे केंद्र सरकार को ललकारा। टिकैत ने कहा कि मैं आपका साथ मांगने आया हूं। बड़ी तादाद में उमड़े किसानों से टिकैत ने बार बार आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि कीले तो लाल किले के पास भी गाड़ी गई थी, लेकिन किसने रोक लिया। टिकैत ने कहा कि सरकार डरती है, इसलिए किलेबंदी करती है, कीले लगाती है, लेकिन वो हमें रोक नहीं पाएगी। आप लोगों का साथ चाहिए दिल्ली, अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है, जब राजा डरता है किले गाड़ी गई। अरे किले तो लाल किले के दीवार से भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट पर भी गाड़ी गई थी। कहाँ है वो किला, कहाँ है किले का गेट, उससे किले गाड़ी गई थी। किसान लेकर गया था उसको, लेकर जाइए आप पंजाब के लोग, लेकर जाएंगे सोरम के अंदर लेकर जाएंगे। जो किले गाड़ी गई है, सोरम खाप पंचायत का ऑफिस है, वो किले वहां पर लेकर जाएंगे पूरे तख्ते को उखाड़ कर, और आप खाप पंचायत के लोग उसको लेकर जाएंगे। उधर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने ऐलान किया है कि किसान पीछे नहीं हटेंगे, आंदोलन चलता रहेगा। नरेश टिकैत ने कहा कि इस आंदोलन की वजह से सरकार की किरकिरी हो रही है, वो मुंह छिपाती फिर रही है। अध्यक्ष हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, आज मंगलोर आए हैं, महापंचायत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये पंचायत तो जगह जगह हो रही, मथुरा में हुई, बिजनौर में हुई, सिसोली में हुई, आज जींद में है, आज यहाँ मंगलोर में है। तो सरकार ने इस तरह की नौबत अड़ा दी। एक सरकार का जिद्दी रवैया है, जो किसान इकट्ठे हो गए, तो हम तो यही चाह बातचीत, सरकार जिद्दी रवैया छोड़ दे और बातचीत करे, कोई रास्ता बीच का रास्ता आसान निकाल ले, जिस तरह बातचीत का एक रास्ता बने। ये तो आरोप लगा लग रहे, तरह तरह के आरोप। किसान क्या करे, किसान के मान स्वाभिमान की लड़ाई है, किसानों की इज्जत का नाश कर दिया उन्होंने, तरह तरह के आरोप किसानों पर लगाए थे, तो किसान करत करे क्या? कहीं तो इकट्ठे होंगे, कहीं तो अपनी पीड़ा बयां करेंगे, भाई हमें दिक्कत हो रही है। मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई है, बिजनौर में हो चुकी है, आज मंगलौर में, क्या रणनीति तैयार होगी आज पंचायत? नहीं, रणनीति तो कुछ नहीं, रणनीति तो यही है सरकार पे कहाँ का दबाव पड़े, रणनीति और हम क्या रणनीति बना सके, इस तरह फालतू हम अपना क्या वो कर सके। सरकार की किस तरह तक किरकिरी हो रही, इन्हीं के स्टेट में जहाँ इनकी सरकार है वहाँ ये मुंह छुपाते फिर रहे, तो क्या होगा? कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो गलती है इनकी। विनीत त्यागी, एबीपी गंगा, रुड़की। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो किसान आंदोलन है वो नया मोड़ ले रहा है। और अभी फिलहाल अगर पावर सेंटर की बात कर लें तो राकेश टिकैत की जो फैमिली है वो नजर आ रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है सवित मलिक, किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सवित मलिक जी आपका एबीपी गंगा पर। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि किस ओर जा रहा है किसान आंदोलन, किस तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है? कभी आंसू देखने को मिलते हैं तो कभी गुस्से का आह्वान कर दिया जाता है। रांची जी, आंदोलन ये पहले कहते थे कि मुठ्ठी जा रहा है, कि आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि ये मुट्ठी भर लोग हैं। पूरे हरियाणा, पूरा पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सब आंदोलन कर रहा है। तो इन पंचायतों के द्वारा यही मैसेज दिया जा रहा है सरकार को कि आप लोगों ने जो नीति बनाई है, जो कानून बनाए हैं, वो गलत कानून है, और इनका विरोध कितने बड़े स्तर पर है ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ये तो आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को जुटाइए, आप किसानों को जुटाइए, लेकिन जिस राजनीति से आपको परहेज है वो सियासत आपके आंदोलन में अचानक से एंट्री मारती हुई नजर आ रही है। मंच पर नहीं बुलाएंगे लेकिन मंच से नीचे स्वागत जरूर करेंगे। प्राची जी, जब लाल किले की घटना हुई हम लोगों ने निंदा की कि उसमें कुछ गलत लोग थे, उन्होंने किया। उसके बाद में प्रशासन ने जो निहत्ते लोग थे, जो रात में सो रहे थे, उनकी आकर बत्ती काटी और जानवरों की तरह उनको पीटा, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वो लोग रात में छिपके रहे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो मरता क्या नहीं करता,
जब किसान को निर्दोष होने के बाद में जेल भेजा जा रहा है, लाठियां चलाई जा रही है, सविद जी आप शायद मेरे सवाल को समझे नहीं है कि मैं किस ओर इशारा कर रही हूँ और आपसे क्या जवाब मैं जानना चाह रही हूँ। बताने जा रहा हूँ, इसीलिए राजनीतिक दल आए हैं। जब किसान को ठीक है, यानी आप स्वीकार कर रहे हैं राजनीतिक दलों का समर्थन जो है? हमको हर राजनीतिक दल का समर्थन है और मिल रहा है और हम उसका स्वागत करते हैं। चलिए ठीक है, हमको तो फिर सर इनकार मत करिए सविद जी, फिर इनकार मत करिए कि सियासत से हमें परहेज है, राजनीति से हमें परहेज है। ठीक है, अच्छी बात है, आपने स्वीकार कर लिया। कोई भी नेता मंच पर नहीं है और कोई भी नेता, ये क्या बात है सविद जी, भटकाइए मत। आपने स्वागत कर लिया, अच्छी बात है, सविद जी भटकाइए मत, बने रहिए आप मेरे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। बात जरा और कर लेते हैं, राकेश टिकैत और नरेश कैद के मंच पर नेताओं को जगह नहीं है, लेकिन कोई भी नेता मंच के नीचे उनसे मिल सकता है। दोनों भाइयों से अब तक रालोद, कांग्रेस, शिवसेना, आप और दूसरे दलों के नेता मंच से नीचे मिल चुके हैं। सवाल है कि जब मुलाकात और समर्थन लेने से परहेज नहीं, तो सियासी नेताओं को सिर्फ मंच पर आने नहीं देना दिखावा नहीं है? इसका जवाब राकेश टिकैत ही दे सकते हैं, इसलिए हरियाणा के जींद की रैली में हमने उनसे कई सुलगते सवाल किए। तो राकेश टिकैत हमारे साथ हैं, उनसे ही हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि रास्ते जो हैं वो खुले हैं, सरकार तैयार है किसानों से एक बार फिर से वार्ता के लिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अगर वो वार्ता का न्योता देते हैं तो क्या आप जाएंगे, क्योंकि वही मांग आप कर रहे थे? वो तो कमेटी बात करेगी, उसमें जो कुछ फैसला लेगी वो कमेटी है, वो लेगी। वो पहले भी उन्हीं के पास मैसेज जाता था, अब भी वही लेगी, जो कमेटी निर्णय लेगी हम उनके साथ में। हम सभी जानते हैं काफ़ी यूनियनों ने अपना वापस भी ले लिया था प्रदर्शन, कि हम अब नहीं, हिंसा की वजह से अब वापस ले लेते हैं। उसके बाद फिर एक तरीके से आप भी काफ़ी भावुक हो गए थे, आपने भी कहा कि अब जो जा रहे हैं वो जाएं। उसके बाद अब एक बार फिर से भीड़ उमड़ने लगी है, तो क्या आपको लगता है कि अब एक तरीके से अन्य किसानों के लिए आप एक आइकन हो गए हैं, हीरो हो गए? नहीं, मैं कोई हीरो हो नहीं, मैं तो, मेरे भी गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, मैं जो वही हूँ और जो भी हैं और जो भी प्लानिंग है, जो हमारे किसान हैं, ये सब उन्हीं की प्लानिंग है ना। किसान कहीं गया था, किसान हमको बैठा के गया था। अगर 10 आदमी कम हो गए या ज़्यादा हो गए, आंदोलन उससे नहीं चलता। आंदोलन तो हौसलों से, मनोबल डाउन ना हो उससे चलता है। ये आंदोलन तोड़ने की बहुत होती हैं। क्या आंदोलन आप डंडे से नहीं तोड़ सकते? आप दूसरे पर एलिगेशन लगा दो, आप पैसे का लगा दो, चरित्र का लगा दो, आप किसी का भी लगा दो, जिससे सामने वाले का मनोबल टूट जाए, वो भी एक आंदोलन तोड़ने की एक बड़ी साजिश थी। देखिए, हिंदुस्तान की 58% आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। जाहिर है किसान देश का सबसे बड़ा वोट बैंक है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ किसानों का सबसे संगठित वोट बैंक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ गन्ने से जुड़ा एक छोटा सा मुद्दा भी लाखों किसानों को गोलबंद कर देता है। यहाँ गेहूं की MSP से जुड़ी हर बात पर किसानों की नजर रहती है। यही वजह है कि टिकैत 3 नए कृषि कानून के मुद्दे को इतना आगे ले जाने में कामयाब हुए हैं। टिकैत के पीछे सबसे मजबूत ताकत जाटों के समर्थन की है। राकेश टिकैत की आंखों से आंसू निकलने के बाद जाटों के अलग अलग खाप उनके पीछे खड़े हो चुके हैं, इसलिए इसे बड़ी सियासी गोलबंदी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की आबादी 17% के करीब है। मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, बिजनौर, शामली और अमरोहा तक जाटों का खासा असर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों और 70 विधानसभा सीटों पर जाटों का वोट बैंक निर्णायक स्थिति में है। जाहिर है कोई भी राजनीतिक दल जाटों की नाराजगी मोल नहीं ले सकता। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होनी है, वक्त कम है, इसलिए हर दल में बेचैनी है। टिकैत इस बात को बखूबी समझते हैं, इसलिए उन्होंने किसान आंदोलन को नए प्रेशर पावर में बदल दिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत के तेवर भी सख्त दिखे। मथुरा में किसानों के बीच पहुंचे गौरव टिकैत ने क्या कहा, ये भी सुनिए। देखो, इस महाआंदोलन में हर गांव की उपस्थिति रहेगी, हर गांव से जो भी है सब अपने उपस्थिति रहती रहे, क्योंकि लड़ाई लंबी है पाली के हिसाब से, कि किसान अपने नज़र खेत पर भी रखे और एक नज़र अपने आंदोलन पर भी रखे, ये तय होगा। हर घर से एक आदमी जाएगा और पंचायत ने जो निर्णय लिया उसको सब लोगों ने मानना, सब लोग गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे।
और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, किसान नेता सवित मलिक हमारे साथ बने हुए हैं। सवित जी, देखिए मेरा सवाल तो फिर घूम फिर के वही है कि आप जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो मत करिए ना। आप मंच पर बेशक स्वागत नहीं कर रहे लेकिन आप मंच से नीचे तो स्वागत करते हैं ना, और अभी जिस तरीके की गोलबंदी हो रही है सीधे सीधे उसे जाट वोट बैंक से जोड़कर देखा जा रहा है। साक्षी जी, ऐसा नहीं है। इस आंदोलन में सभी जातियों और धर्मों का सहयोग है और सभी प्रदेशों का सहयोग है। अब आगे की रणनीति अगर ये खाली जाटलैंड की होती तो ये गन्ने की लड़ाई होती। आप जानते हो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होना चाहिए, लेकिन हमारा भुगतान पिछले साल का भी अभी नहीं हुआ है। अगर ये खाली वेस्ट यूपी की लड़ाई होती, जाटों की लड़ाई होती, तो इसमें जो है गन्ने का मुद्दा सबसे आगे होता, लेकिन गन्ने का मुद्दा अभी कहीं आपको ज्यादा नजर नहीं आ रहा होगा। ये देश की लड़ाई है, ये सभी जाति धर्म की लड़ाई है, ये किसानों की मजदूरों की लड़ाई है। इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात सब हर जगह। फिर देखिए ये समझ से परे है कि एक तरफ आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको युवाओं का गुस्सा चाहिए। करना क्या चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, गुस्सा किसी का नहीं चाहिए। राकेश टिकैत जी ने कहा है जिसको जो गुस्सा है वो मुझे दे दीजिए। चलिए ठीक है सभी जी, अब किस तरफ ये आंदोलन जा रहा है ये कहना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो राकेश टिकैत के किसान आंदोलन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और राजस्थान तक के जाटों को अपनी तरफ खींचा है। हरियाणा में जाटों की आबादी 25-28% के बीच है। राज्य की कुल 90 विधानसभा सीटों में से 30 सीटों पर जाट वोटर्स की भूमिका निर्णायक है। टिकैत की जींद में महापंचायत के जरिए हरियाणा में एंट्री को लेकर इसी वजह से कयासों का बाजार गर्म है। वहीं अगर पड़ोसी राज्य राजस्थान की बात करें तो यहां भी जाट सबसे बड़े समुदायों में से एक है। राज्य में करीब 10% जाट वोटर हैं। राज्य की कुल 200 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों पर जाट समुदाय के वोटर काफी असर रखते हैं। किसान आंदोलन में जाटों के मजबूती से शामिल होने के बाद अब राज्य के जाट नेता सकते में नए समीकरण तलाशे जा रहे हैं। यही वजह है कि राकेश टिकैत की नई गोलबंदी में राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। तो देखिए किसान वोट बैंक पर असर डालने वाले इस आंदोलन को लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, जरा ये सुनिए। तो देखिए इसके कई मायने यहां पर जरूर निकाले जा रहे हैं कि आखिर ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जो गोलबंदी हो रही है, इसके मायने क्या है।